मोहम्मद का वफादार है, अल्लाह उसका, करबला उसकी, नजफ उसका, मदीना उसका। जिंदगी है तो बस अली की तरह, मौत आए तो या हुसैन हुसैन। सकीना दिन ढल
ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी, बिना से लाशे सरवर को क्या पहचान पाएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी, वो बच्ची बाप के सीने पे जिसको नींद आती थी, वो बच्ची बाप के सीने पे जिसको नींद आती थी, उसे अब खाक के बिस्तर पे कैसे नींद आएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी, पदर की याद में वो नानी बच्ची अस रे आशूरा, पदर की याद में वो नानी बच्ची अस रे आशूरा, जले खैमों की तपती राख पर आंसू बहाएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी, वो मंजर किस तरह अहले हरम देखेंगे मक्तल में, वो मंजर किस तरह अहले हरम देखेंगे मक्तल में, तसव्वुर में वो जब बेशीर को झूला झुलाएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी, रिदा जो सर पे थी वो ले गया शिमरे लैया कर, रिदा जो सर पे थी वो ले गया शिमरे लैया कर, रसन हाथों में है चेहरे को वो कैसे छुपाएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी, यतीमों पर कोई क्या इस तरह
से जुल्म करता है यतीमों पर, कोई क्या इस तरह से जुल्म करता है। ये सुनकर बैन अर्जे कर बला भी थर थराएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी। वो मंजर इर्तजा जैदी बयां हो पाएगा कैसे, वो मंजर बयां हो पाएगा कैसे। सकीना बाप के लाशे पे जब आंसू बहाएगी, सकीना दिन ढले जब बाप के लाशे पे जाएगी। المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عمي أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه وسيد سيد الأشقياء والأسقياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العلي العظيم. زمین میں جب انبیاء کو بھیجنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو روئے زمین پہ انسان کو بھیجا وہ حضرت آدم جو خود نبی بھی ہیں آدمی بھی ہیں، سب سے پہلا انسان نبی، تاکہ کوئی یہ شکایت نہ کر سکے پروردگارا میں اس وقت زمین پہ تھا جب تیری طرف سے ہدایت کا بندوبست نہیں تھا، اللہ نے ہدایت کو پہلے بھیجا، محتاج ہدایت کو بعد میں بھیجا، جنہیں ہدایت کی ضرورت سے وہ بعد میں آئے ہیں، جو ہدایت کرنے والے ہیں وہ پہلے آئے ہیں، تو جناب آدم ہادی ہیں ہدایت کے لیے پہلے آئے، اور جو
मोहताज नायक हैं वो आज तक आ रहे हैं। तो असरानी हर जमाने में हमेशा हाथी मौजूद रहा जो हिदायत करता है, ताकि महबूब ये ना कह सके कि परवरदिगारा तेरी तरफ से हाथी नहीं था, अगर हम गुमराह हो गए तो उसूल हमारा नहीं, तेरा है, तुमने हाथी नहीं भेजा। तवज्जो है, कभी भी महबूब ये ना कह सके परवरदिगारा हम उस जमाने में थे जब हम थे हाथी नहीं था, मोहताज हिदायत थे हाथी नहीं था। हर जमाने में अल्लाह ने हाथी को भेजा ताकि मोहताज हिदायत ये ना कह सके हमें जरूरत थी कि हाथी नहीं था। दुनिया की आबादी कभी भी इतनी नहीं रही जितनी आज है, मोहताज हिदायत मौजूद है तो कैसे मुमकिन है हाथी मौजूद ना हो, कैसे मुमकिन हाथी मौजूद ना हो। सबसे बड़ा मसला बहुत से मुसलमान एक मसला रास्ता बना लेते हैं, समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कैसे मुमकिन है कि हाथी मौजूद हो नजर ना आए, तो हम कहते हैं शैतान ने बंदूक गुमराह कर सकता है, नजर नहीं आता, वो शैतान हो के गैब में रहकर गुमराह कर सकता है, अल्लाह का नुमाइंदा हाथी पर हक गैब में हिदायत कैसे नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा अल्लाह कभी भी किसी भी हाथी को अपने तमाम का जो मखलियत है वो देख भेजता है, जिसके अंदर वो कह सके कि मैं नुमाइंदा परवरदिगार हूँ, और नुमाइंदा परवरदिगार में ऐसी निशानियाँ होनी चाहिए कि पता चले कि अल्लाह का नुमाइंदा है। तो उन निशानियों में से एक निशानी है मौजज़ा, अंबिया मौजज़ा लेके आते हैं। अल्लाह ने कहा मेरी यार बेटी मैं देखा हूँ दूर तक लोग हैं और बहुत से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने सब कुछ लिखेगा। तो अब ये हिदायत बेइंतहा जरूरी है, लेकिन हादी के लिए अंबिया जब कहें मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ तो कोई ऐसा मौजज़ा होना जरूरी है कि लोगों पर साबित हो जाए कि ये अल्लाह के भेजे हुए हैं। तो जहाँ भी लोग थे अंबिया हमेशा मौजज़ात दिखाते रहे। मुझे आज जनाब एक घंटे पहले बात को पहुँचाया था, वहीं से आगे बढ़ाऊँगा। तो अंबिया मौजज़ात दिखाते रहे, आपके जहनों में है इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुस्तकीम जारी है बात, यह बात रिकॉर्ड चलेगी, इसलिए जिम्मेदारी से बिल्कुल मैं पेश करूंगा। जनाब मूसा अल्लाह के नबी हैं, दो मौजज़ात लेके आए, एक यदि ऐसा जब हाथ में आते जिसे बाहर निकालते जेब में हाथ आते और निकालते उसमें से नूर निकलता था, किसी को कुछ नजर ना आता, अल्लाह कहता कि आप अपना रास्ता बना लीजिए। दूसरा असा था जमीन पे फेंकते, अश्दहा में तब्दील हो जाता। ये जनाब मूसा के दो मौजज़ात थे। जनाब मूसा के जमाने में सेहत का जादू का जोर था, इसलिए अल्लाह ने दो उनको मौजज़ात किए। जहनों में है इशारा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। कहता है नबी सहर का जादू का जोर था, इसलिए अल्लाह ने ऐसे दो मौजूदे दिए जो हर जादू का जोर थे, और कोई भी जादू उन दो मौजूदों के सामने चलता नहीं था। फिरौन के जितने भी दरबारी जादूगर थे उन्होंने रस्सियां फेंकी, सांपों में तब्दील कर दी। जनाब मूसा ने एक अश्दहा फेंका, सब पर निकल गया। तो उसने कहा कि एक अश्दहा सब पर निकल गया, का हमारा धोखा था, इसका मौजूदा है। धोखा धोखा होता है, मौजूदा मौजूदा होता है। जनाब ईसा के दौर में तेज का जोर था, अब जितने भी अगले बात थे सारी बीमारियां ठीक कर देते थे, कुछ बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते थे, पैदाइशी अमीना का इलाज नहीं कर पाते थे, जो शर्माई का महरूम था उसको शर्माई नहीं दे पाते थे। जनाब ईसा हाथ लगाते बिनाई देते थे, हाथ लगाते शर्माई देते थे, गूंगे को हाथ लगाते उसके पास बोयाई आ जाती, मुर्दे को ठोकर मारते कुंभ इतने रब्बे के। तलवार का जवाब अमीर है, जिस तरह से आज तक कुरान का जवाब है, कुरान का
कोई जवाब नहीं आया, वैसे अली भी लाजवाब है। कयामत तक अली का भी कोई जवाब नहीं आ सकता। पैगंबर के दो मौजजात थे, बात को कहने आगे बढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह ने जनाबे सबसे बड़ा को दो मौजजे दिए हैं। अब ये जितने भी अंबिया आए बहुत साथ देने आते रहे। आए तरह से जाने ग्रामी हम बारह आइमा अलैहिस्सलाम की इस्मत के इमामत के विलायत के कायल हैं, ऐसा है या नहीं? हमने उसे हक साबित करने के लिए दो तरह की निशानियां भेजी हैं। आफाती निशानियां हैं जो आफात में नजर आती हैं, जैसे सूरज चांद सितारे चले करें कई आफाती वकी अनफुसहे और अनफुसी निशानियां हैं। अरबी का तर्जुमा नहीं कर रहा, आपकी हुस्न समात को देखते हुए इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। आपकी मोहब्बतों को नजर कर रहा हूँ, यकीन है दोनों को जाहिर नहीं होने देंगे। तो दो तरह की निशानियां आफाती और अनफुसी, या दूसरे अंदाज में कहूँ आफाती, सूरज बोलता नहीं है लेकिन गवाही देता है मेरा कोई खालिक है। चांद बोलता नहीं लेकिन गवाही देता है मेरा कोई खालिक है। सितारे बोलते नहीं गवाही देते हैं कोई खालिक है। वो आफाती निशानियां अनफुसी, ये आप मैं हम सब हम बोल के बताते हैं कि इतने आसार हैं, वो समीय बसीर है, उसने हमें भी दिखाने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। तो अनफुसी निशानियां दो तरह की निशानियां, खामोश निशानियां और बोलती हुई निशानियां। अब खामोश निशानियों में कुरान ने साबित है मौला की जबान में, मौला फरमाते हैं कुरान कुरान ने साबित है और मैं कुरान ने नाज़िल हो, मैं बोलता हूं। अनफुसी निशानी यानी बोलती हुई निशानी बनने के तौर पर मेरे साथ है, रफ्तार कम नहीं कर सकता, वक्त कम है और मुझे उसमें बताने ज्यादा से ज्यादा पेश करते हैं। अब बोलती हुई निशानी और खामोश निशानियां, अब पैगंबर सलाम के लिए दो मौजूदा, कुरान खामोश है अली बोलते हुए, कुरान खामोशी से गवाही दे रहा। अगर कुरान को मुजस्सम देखना है तो अली को देख ले, अली को लिखा देखना है कुरान को देख ले। खामोश और बोलती हुई अमीर को भी जनाबे अमीर अलैहि सलाम को भी दो तरह की निशानियां चाहिए, खामोश निशानियां और बोलती हुई। खामोश कुरान है, बोलते हुए हसन मुस्तफा है। इमाम हसन को भी दो गवाह चाहिए, अब आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। इमाम हसन मुस्तफा को भी दो गवाह चाहिए, आफाती अनफुसी खामोश और बोलते हुए, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को भी दो गवाह चाहिए, खामोश कुरान है बोलते हुए इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद को भी दो गवाह चाहिए, अगर पहुंच जाएंगे इमाम सज्जाद को भी दो गवाह चाहिए, खामोश कुरान है बोलते हुए इमाम बाकर अलैहिस्सलाम है। यहां तक कि ग्यारहवें इमाम को दो गवाह चाहिए, ग्यारहवें इमाम के दो गवाह, एक कुरान है खामोश बोलते हुए इमाम जमाना। आप समझ में आया कि बारहवें इमाम को भी दो गवाहों की जरूरत है, खामोश तो कुरान है बोलते हुए वो अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया।
नमाज पढ़ाएगा, मैं वहां को मैंगो और अल्लाह सुभान व तआला को इजाजत दे दे। आइए जरा मेरे ध्यान तक नबूवत तो इमाम पर रहम मौजूद आगे चलता हूं, चलते रहेंगे मेरे साथ। ऐसा कि मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं दोबारा कि जनाब इमाम सलाम अलैहि सलातो व सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जिन्हें नबूवत मिली है, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक के बेटे हैं हजरत याकूब। हजरत याकूब के 12 बेटे हैं, एक का नाम है यूसुफ। आप हजरत ने जनाब यूसुफ के तुम वाले फिल्म बन गई है, तो मैं अपनी कुछ तहकीक पेश करना चाह रहा हूं और आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। मैंने कोशिश की है, कुछ चीजें इंसान पढ़ लेता है, देख लेता है, लेकिन उसी देखे हुए सुने हुए पढ़े में से कुछ नए नतायज निकालना ये अहले बैत की अता से होता है। हम एजाज के कायल हैं आले मोहम्मद, बाब मदीना लिल जनाब अमीर हैं, और जनाब अमीर अता करें तो उसी में से वही जो पढ़ता इंसान नए नए दरीचे खुलते जाते हैं, नए नए बाब अता होते जाते हैं। हमारा अकीदा यह है, मैं आपको और अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ कि हम यहाँ से कहते हैं या अली अदरकनी, नजफ से आवाज़ आती है, काम क्या है। हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं से कोई भी मदद के लिए पुकार दे तो इमाम काम आने वाले हैं। तो जाने के लाने बाब मदीनतुल इल्म से खैरात मांगते हैं इल्म की, तो मौला ने कुछ अता किए हैं, आज आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। सबके जहनों में है जनाब यूसुफ, भाइयों में कायनात में सब ज्यादा खूबसूरत गुजरे। जब पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह कौन ज्यादा खूबसूरत, जब एक मतलब आपको काफिर या मुशरिक भी देख ले तो रुक के वापस आता है, दोबारा देखना चाहता है। अब मैं कल या परसों में पेश करूंगा पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक, क्या इतने खूबसूरत हैं आप कहते हैं यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे, क्या नहीं, अना अजज़ब मिन्हु, मैं ज्यादा जज्जाब हूँ, मैं ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मुझ में कशिश ज्यादा है, अगर यूसुफ मेरा भाई मेरे साथ चले तो लोग उसे कम देखेंगे मुझे ज्यादा देखेंगे, क्या मुझ में अल्लाह ने कशिश ज्यादा रखी है। और अगर तुमने सारे अंबिया की सिफात को एक जगह जमा देखना हो तो एक मर्तबा मेरे भाई अली को देख लो। यूसुफ बहुत खूबसूरत हैं और अल्लाह ने जनाब याकूब के दिल में उनकी एक खास मोहब्बत डाली, इसलिए भी कि वो नबुव्वत के वारिस है। पेश कर रहा हूं और जनाब यूसुफ पेंदा खूबसूरत थी, नबुव्वत के वारिस। तो जनाब याकूब को मोहब्बत ज्यादा थी और भाइयों को एहसास हो रहा था जनाब यूसुफ के कि हमारे वालिद को मोहब्बत यूसुफ से ज्यादा है। तो भाइयों ने एक मरतबा आपस में मनसूबाबंदी शुरू की और कहा कि भाई किसी तरीके से यूसुफ को साथ ले जाते हैं और बाप की आंखों से दूर कर देंगे, बाप की आंखों से ओझल हो जाएंगे यूसुफ, तो बाप की मोहब्बतों का मरकज हम बन जाएंगे। अगर यूसुफ आंखों से दूर होंगे
तो बाप की मोहब्बतें हमारे लिए हो जाएंगी, हमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से इंसान ऐसे सोचता आया। अगर किसी को आंखों से दूर कर देंगे शायद उसकी मोहब्बत खत्म हो जाए, किसी को समझ में नहीं आता, जितना दूर करोगे मोहब्बत उतनी ही बढ़ती जाती है। तवज्जो है जाने की रानी, बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, मेरे किसी जुमले को जाया नहीं होने देना चाह रहे। मैं अपने इन नौजवान अपने इन बच्चों का इंतहा ममनून हूँ, बुजुर्गों की दुआएं चाहूंगा, चंद नतायज पेश करना चाहता हूँ। वाक जनाबी यूसुफ पूरा नहीं सुनाऊंगा, इशारा करूंगा। भाइयों के दिल में हसद आने लगा और सबने यही कहा बाप की आंखों से दूर कर देते हैं, क्या पहले साथ ले चलो। जनाबे याकूब से कहा कि हम यूसुफ को साथ ले जाना चाहते हैं, तो जनाबे यूसुफ ने कहा ऐसा ना हो कि कहीं तुम खेलते रहो और इन्हें भेड़िया खा जाए। अब देखें नबी हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ खदशे का इजहार किया था। ये वो जानते थे कि मासूम को भेड़िया नहीं खाता, ठीक है, ये वो जानते थे कि मासूम को भेड़िया, भाई तवज्जो मुझे चाहिए, ये वो जानते थे अपने इल्मे नबुव्वत से अंबिया को भेड़िया नहीं खाता, सिर्फ खदशे का इजहार किया था, ये नहीं कि भेड़िया खा जाएगा। यानी तुम नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम्हारे दिलों में भेड़िया पल रहा है। ये पुरानी बातें नहीं है, सारे अंबिया के भाइयों का, बेटों का, वारिसों का, वसीयों का ऐसा ही हाल होता है कि कई अफराद के दिलों में भेड़िए पल रहे होते हैं, वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इसे भेड़िया खा जाए। जब बाद में वो आए, उलमा इसीलिए कहते हैं कि कभी भी खदशे का इजहार ना करो। जब बेटे वापस आए ना तो यही कहा, क्या बाबा जान हम खेल रहे थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने यही कहा यूसुफ को, तो जनाबे याकूब ने कुरान की आयत है, सूरह यूसुफ 12वां सूरह है। जनाबे याकूब ने फौरन भेड़िए को आवाज दी, भेड़िया आ गया। कहा क्या तूने खाया मेरे यूसुफ को? कहा कि आप तो नबी हैं, जानते हैं हम पे मासूमों का गोश हराम है। तवज्जो हो, जुमलों का जाहिर कीजिएगा, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। भाई उन बेटों ने जिस भेड़िए पे इल्जाम लगाया था, क्या उसी भेड़िए को जनाबे याकूब ने बुलाया था? उन्होंने कहा एक भेड़िया खा के, जनाबे यूसुफ, जनाबे याकूब ने कहा अभी भेड़िए को बुला के पूछता हूं। भाई जिस पे इल्जाम लगाया था उसने किसी भेड़िए को बुला के पूछा? जब भेड़िया आया उसने इब्रानी जबान में कहा, क्या आप तो नबी हैं, जानते हैं अल्लाह ने हम पे मासूमों के गोश्त को हराम करार दिया, ये सवाल कैसा? तो जनाबे याकूब ने ताज्जुब नहीं किया, पलट के बेटों को देखा, क्या समझ में आया ये भेड़िया है? लेकिन जानता है मासूम कौन है? जनाबे याकूब ने फौरन सवाल कर लिया। अब ये जो ले गए थे, मुझे जिस बात को पेश करना है, चंद नतायज ऐसे हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और रिकॉर्डिंग हो रही है, इशारा करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, रफ्तार वैसे भी तेज रहेगी। एक मतलब भाइयों ने एक भाई को छोड़ के बिन्यामीन, बाकी 10 भाई जनाबे यूसुफ को साथ ले गए। जब ले गए ना, तो जनाबे यूसुफ से बाद में पूछा कि आपको किस बात का अफसोस था, जितना आप रोते थे, इतना रोते थे, सबसे ज्यादा तारीख में रोने वालों में जो ज्यादा हंसी है ना, उनमें से एक जनाबे याकूब हैं, एक जनाबे यूसुफ। ये कुरान कह रहा है, कुरान की आयत है, रबियत ऐनाहु मिनल हुज़्न, रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, कुरान की आयत पेश कर रहा हूं। अल्लाह कहता है यूसुफ के गम में बाप याकूब नबी थे, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, यानी नाबीना हो गए, इतना रोए ये आंखें सफेद हो गई जनाबे याकूब की। किस बेटे के गम में? जो बेटा जिंदा था, जानते थे जिंदा है, जो जिंदा को रोके नबी होते हुए, मासूम होते हुए आंखें गवा दे। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये रोना बिदअत था, ये शिर्क हराम है,
इतना पसंद आया रोना, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया तो कुरान तो पढ़ लो। जनाबे याकूब ने जब बेटों के साथ भेज दिया, भाइयों ने जमा होने के बाद कहा क्या किया जाए यूसुफ का, अब बाप से दूर करना है। जनाबे यूसुफ से पूछा किस बात का गम था, बात याद है जनाबे यूसुफ की पेश कर रहा था, कहा किस बात का गम था, क्या मुझे इस बात का गम था, मैं हमेशा बचपन में सोचा करता था, हमेशा एक ही बात सोचता था कि जिसके इतने भाई हो उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, क्या वही भाई मेरे दुश्मन बन गए। मैंने कहा परवरदिगारा मैंने तुझे छोड़ के भाइयों के मुताबिक सोचा था, पता नहीं पहुंचा पाया हूं, बात को नहीं पहुंचा पाया, क्या परवरदिगारा उन्हीं भाइयों ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। अब एक मतलब भाइयों ने कहा उक्तलू हो, एक ने कहा कत्ल कर देते, भाई हैं कुरान की आयात है अगर सुनना पसंद फरमाएंगे, उक्तलू हो या कत्ल कर दो। तो एक भाई है नाम है लावी, तो उन्होंने कहा नहीं कत्ल मत करो भाई तो है। दूसरे ने कहा एहरकू हो आग लगा देते हैं, नहीं आग मत लगाओ, वही दोबारा एक ही भाई लावी मारा है, बिन्यामीन घर पे थे, एक जनाबे यूसुफ दस, दस में से एक लावी। अब वो लावी सबको रोकते हैं, कहा नहीं आग मत लगाना, नहीं आग ना लगाना, कत्ल मत करना, तो क्या किया जाए। एक ने कहा कुएं में फेंक देते हैं, जो कुएं के अंदर डाल देंगे, कहा ये ठीक है कम से कम जिंदा तो रहेंगे, भाई तो है हमारा, तवज्जो हो, कहा भाई तो है हमारा जिंदा रहे, मुझे बस यही चाहिए कि भाई जिंदा रहे। अब सारे के सारे भाई कह रहे थे कत्ल कर दो, मार दो, आग लगा दो, दूर कर दो, एक भाई बार बार कहता था नहीं मत मारना भाई तो है, कत्ल मत करना भाई तो है। अल्लाह ने एक उसूल बनाया है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, अपनी मेहनत से इस उसूल में पहुंचा हूं, आपके सामने पेश करता हूं, दिल को लगे तो डाल दीजिएगा नहीं तो खामोश बैठे रहिएगा। एक उसूल बनाया, जनाबे लावी को अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी, जनाबे यूसुफ अल्लाह के नबी है, लावी को मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के नबी से, किससे, जनाबे यूसुफ से। ऐसे कत्ल मत करना, मारना मत, आग मत लगाना, हमारा भाई है, बाप का महबूब है। एक मर्तबा जनाबे यूसुफ अजीज मिस्र बने, जब अजीज मिस्र बन गए ना तो उसके बाद सारे भाइयों का जमा किया, अभी तो मैं अजीज मिस्र हूँ, मिस्र में फिरौन आ जाएंगे, हुकूमत करने लगेंगे, फिरौनों के बाद बेइंतहा ज़ुल्म होंगे, तुम्हारी नस्लों को मारेंगे, फिर अल्लाह मेरे इस भाई लावी की नस्ल से एक नबी भेजेगा, नाम मूसा होगा। नहीं मुझे सारे मिलने के लिए वजह चाहिए, क्या अल्लाह मेरे इस भाई लावी की नस्ल से एक रसूल भेजेगा, एक नबी भेजेगा जो तुम्हें फिरौनों से निजात देगा, वो फराइना जो आते रहेंगे एक के बाद एक खुदाई का दावा करेंगे, अल्लाह तुम्हें उनसे निजात देगा मूसा के जरिए। मेरे इस भाई की नस्ल, मेरे इस भाई लावी की नस्ल से एक नबी आएगा, नाम मूसा होगा, अल्लाह तुम्हें उसके हाथों निजात देगा, नबी होगा। मैंने बहुत सोचा, नतीजा निकाला, परवरदिगारा जनाबे यूसुफ की नस्ल से क्यों नहीं आए जनाबे मूसा, ये जनाबे लावी की नस्ल से क्यों आए जनाबे मूसा। तो नतीजा पेश करना चाहता हूं, अल्लाह ने उसूल बनाया, जो भी मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं उसकी नस्ल में नबूवत रख दूंगा। अब चाहे बनी इसराइल में हो या कोई मेरे नबी मोहम्मद से मोहब्बत करे, मैं इमाम अबू तालिब की नस्ल में रख दूंगा। अल्लाह ने उसूल ये बनाया है कि जो भी उसके नबी से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसी की नस्ल में उस हिदायत को रखेगा। इसलिए जनाबे लावी की नस्ल से जनाबे मूसा है। अब समझ में आया जनाबे अबू तालिब का मकाम, जो अल्लाह के नबी जनाबे हबीब खुदा से मोहब्बत करते थे, अल्लाह को इतना पसंद आया उस मोहब्बत से चाहना जनाबे अबू तालिब का, कहा अबू तालिब अब मैं इमामत को 12 इमामों की इमामत को कयामत तक के लिए, जब भी कोई कहेगा अली तो साथ में कहेगा इब्ने अबी तालिब। भाई तवज्जो, ये कितना बड़ा इम्तियाज है जनाबे अबू तालिब का, ये कयामत तक के लिए जब भी कोई कहेगा अली तो हमेशा कहेगा इब्ने अबी तालिब। तो क्या मकाम है जनाबे अबू तालिब का, कि हमेशा जनाबे अमीर के नाम के साथ उनका नाम है। कितनी मोहब्बत की होगी रसूल खुदा से। अब मैं जुमले को पेश कर रहा हूँ, ये पेश कर रहा हूँ किताब मौकबे दुर्री से, जो बहुत बड़ी हमारी किताब है, और वहां से
बहुत बड़े बड़े उलमा ने इसको तस्दीक की है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है। मुझे नहीं मालूम कि शतक मेरा सीना साथ देगा, आप हजरा साथ दीजिएगा। कौकब-ए-दुर्री के अंदर अब यहाँ का अल्फाज ये है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने सूरा रहमान में जहाँ जन्नत का तस्किरा किया, पूरा जन्नत का नजारा सूरा रहमान में है, तो वहां पे अल्फाज ये है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, कि आया एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ हो सकता है। तो पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये आयत इनसे मुताल्लिक है? कहा कि दो मोहसिन इस्लाम है, एक खदीजा है दूसरे अबू तालिब है। जनाबे खदीजा जनाबे अबू तालिब जो कुछ था पैगंबर पे लुटा दिया। अब मैं पूरा खून जगह लगा रहा हूँ, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए, मैं देख रहा हूँ दूर तक लोग हैं, सबकी तवज्जो चाहिए। दो मोहसिन इस्लाम है, जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब दो बहुत बुजुर्ग हस्तियां, इन्होंने जो कुछ था पैगंबर पे कुर्बान कर दिया, एक ने सरदारी लुटा दी फाके लिए, दूसरी जनाबे खदीजा सारी दौलत कुर्बान कर दी फाके लिए, जो कुछ था लुटा दिया इस्लाम पे पैगंबर इस्लाम पे। अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, ए अबू तालिब आपके एहसान के बदले में, ए खदीजा आपके एहसान के बदले में मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। ए अबू तालिब मेरे खजाने में जो सबसे अनमोल है वो है अली। ए अबू तालिब मैंने अपना अली आपको दिया। ए खदीजा मेरी फातिमा से बेहतर कोई भी नहीं, मैंने अपनी फातिमा आपको दी। मरदल महारानी अंत गया बेनहुमा वर्दकुन ला यबगिया यखरुजो मिनहुमा लुलुव वर्दक, दो मेरा कदर मोती हासिल होंगे, एक सब्ज होगा दूसरा सुर्ख होगा, जो सब्ज होगा वो हसन होगा, जो सुर्ख होगा वो हुसैन होगा। एक आखिरी पहलू को पेश करना चाहता हूं, अगर सुनना पसंद आ रहा है। अब सोचिए कि कौन है हजरत अबू तालिब। अल्लाह ने 12 इमामों का नूर उनके सुल्ब में रखा, क्या अज़मत है हजरत अबू तालिब की कि इमाम अमीरुल मोमिनीन हसन हुसैन से इमाम मेहदी तक सब उनकी ज़ुर्रियत में हैं। जुमला पेश कर रहा हूँ, अब इस जुमले की बहुत ज़्यादा वजाहत कर पाऊँगा, ना सीना साथ दे रहा। ऐसा नहीं कि रामी जनाब यूसुफ के भाइयों ने उन्हें उठा के कुएं में डाल दिया। तारीख में हदीस के अल्फाज हैं, कुएं का दहाना बहुत छोटा था लेकिन कुआं नीचे से बहुत गहरा था। आपने देखा ये जितने भी हशरात लर्ज होते हैं, कीड़े मकौड़े हैं, सांप बिच्छू वगैरह हैं, ये अपना घर कर लेते हैं, जहाँ जमीन की गहराई हो वहाँ घर कर लेते। जैसे जनाब यूसुफ के भाइयों ने फेंका ना कुएं में, तो एक मरतबा सारे के सारे मुख्तलिफ जानवर आगे बढ़े काटने के लिए। कुरान ने दो अंबिया को, वैसे सारे अंबिया सिद्दीक हैं, दो को सिद्दीक कह के पुकारा है, इब्राहिमो अय्युह सिद्दीक, दूसरे यूसुफो अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ ए सिद्दीक। जब एक मरतबा भाइयों ने कुएं में डाल दिया ना, तो सारे के सारे जानवर हशरातुल अर्ज आगे बढ़े जनाब यूसुफ को काटने के लिए। उनमें एक सांप भी था, उसने कहा मत काटना यूसुफ को, सांप ने कहा मत काटना यूसुफ को, ये सिद्दीक है। अल्लाह ने की रानी कुरान जिंदा मौजूदा है, मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया, कुरान जिंदा मौजूदा है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कितनी बारीकियां कुरान से पेश किए हैं, आज भी कुरान गवाही देता है रिसालत माब की, रिसालत की अहले बैत की अजमत की। आज भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का मकाम इतना ज़्यादा, क्योंकि टेलीविजन पे जाना है और रिकॉर्डिंग का वक्त महदूद होता है, मैं आपके सामने पेश करूँगा तनहीदन तंग जुमले पेश कर रहा हूँ। लेकिन मसायब मैंने कल भी बल्कि परसों शायद मजलिस में कहा था, माज मजलिस मसायब मजलिस होते हैं। बाज़ अवकात मैं चाहता भी हूँ और ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन जब लोग बेताबी करने लगते हैं बर्दाश्त नहीं करते तो फिर मैं रुक जाता हूँ। मैं हमेशा एक ही सवाल करता हूँ कि आप हजरात सिर्फ मसायब सुनते हैं, आपने मसायब देखे नहीं हैं। जिस बीबी ने मसायब देखे हैं, अब मैं यहाँ पर रुक के मैं आज वरूदी पेश करना चाहता हूँ, जनाब सैयद शहदा का करबला में वारिद होना। उन हस्तियों में जिन्होंने सारे मसायब को देखा है, उनमें जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ साथ एक बीबी है, नाम है फातिमा ज़हरा।
एक नौजवान ने इशारत में कहा कि बीबी के चंद जुमले मसाद पढ़ लीजिएगा। बीबी की शहादत नहीं पढ़ूंगा, बीबी के मसाद नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ करबला से मुताल्लिक दो जुमले पेश करूंगा। ये रवायात में है कि जनाब सैयदा जब भी जनाब सैयद शहदा को आगोश में देखती तो एक ही बात कहती, बाबा मैंने हसन को भी पाला है लेकिन बाबा न जाने ये हुसैन कैसा है, बाबा ये मुझे बहुत रुलाता है। बस ये जुमला कहना था, पैगंबर सलाम भी रोने लगे। कहा मेरी लखते जगह क्या बात है, कैसे रुलाता है? कहा बाबा अक्सर ये मुझसे कहता है कि हवारे में या उम्मी अना अच्छा मादर गिरानी में बड़ा प्यासा हो, मादर गिरानी में बड़ा प्यासा हो, बाबा मैं अगर पानी पिला दूं ना तो उसके बाद कहता है या उम्मी अना मजलूम, अम्मा मैं बड़ा मजलूम हूं। बाबा जब मैं इसको सीने से लगा के प्यार करती हूं ना तो मुझसे कहता है या उम्मी अना गरीब, अम्मा मैं बड़ा गरीबुल वतन हो। पैगंबर इस्लाम भी रोने लगे। बस मुझे आज तंकीद में ये दो तीन मजालिस हैं जो टीवी के हिसाब से ये बहुत से अहले सुन्नत भी देखते हैं, मसायद को वो पेश करूंगा कि जो अहले सुन्नत की किताबों में भी हैं जुमले। तो रवायत के अल्फाज हैं, जनाब सैयद शहदा दो मुहर्रम को करबला पहुंचे थे, शिया सुन्नी मौरखी ने लिखा जब पहुंचे ना तो एक मरतबा उसी सवारी पे तशरीफ़ फरमा थे जो पैगंबर इस्लाम की सवारी थी, अल मैमून नाम लिखा है, तो वही जुलजना जिसे पैगंबर इस्लाम, तिर्मिज़ी शरीफ में है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का मजमा था और एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने देखा कि तीन बरस का उनका नवासा बार बार कहता है नाना मुझे अपने घोड़े पे सवार करा दीजिए। कहा बेटा ये किसी को सवार ही नहीं देता। अब सहाबा सब मुतवज्जे हैं, ये तीन बरस का बच्चा जनाब रिसालत में आपसे बार बार कहा नाना मैं इस पे सवार होना चाहता हूँ। पैगंबर ने आगोश में लिया, आगे बढ़े, अपने नवासे को घोड़े पे सवार करने के बाद कुछ पीछे हट के देखना चाहा, कुछ कदम पीछे हटे और देखा, फिर देख के मुस्कुराने लगे। कहा मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, इस सवारी पे सवार होके बहुत खूबसूरत। सहाबा कहते हैं कि पैगंबर देख के मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुराए कि दंदाने मुबारक नजर आने लगे, फिर इतना गिरिया किया कि आंसुओं से रीशे मुबारक कर हो गए। जब दाढ़ी भर गई ना पैगंबर इस्लाम की तो सहाबा ने सवाल किया माँ जो की का या रसूल अल्लाह किस बात ने आपको इतना रुला दिया? का कल यही नवासा होगा, यही घोड़ा होगा लेकिन मदीना में करबला हो, जब ये मदद के लिए बुलाएगा ना कहेगा हल में नासिर अंसरना, तो उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं जाएगा। अजरों को मनना मैं भी पढ़ूंगा मसायद, तो तारीख में अल्फाज हैं, पैगंबर ने बहुत शिद्दत से गोद में लेके चूमना शुरू किया, प्यार किया बहुत ज्यादा। अब जब सैयद शहदा पहुंचे करबला तो उसी सवारी पे हैं, जुलजना पे सवार है। एक मरतबा देखा कि आपकी सवारी रुक गई, आपने फौरन सवाल किया कि इस सरजमीन का नाम क्या है? ये सैयद शहदा इसलिए बता रहे हैं कि लोगों को अंदाजा हो जाए कि देखो मुझसे मुताल्लिक शक ना करना, मेरी तो सवारी को भी पता था कि करबला आ गया है। एक मरतबा कहा इस सरजमीन का नाम क्या है? कहा कि इसे नैनवा कहते हैं। क्या इसका कोई और नाम भी है? कहा गाजरिया कहा जाता है। यहाँ तक कि नवे नंबर पे किसी आदमी ने कहा कि शुमार करते करते कहा कि इसी सरजमीन का नाम करबो बला भी है। जैसे कहा ना करबो बला, इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये जुमला कलमा इस्तरजा पढ़ना था कि एक मरतबा जनाब अब्बास मुतवज्जे हुए और फौरन किसी बीवी ने आवाज दी, जनाब अब्बास गए वापस आए। कहा मौला हजरत उम्मे कुलसूम ने बुला के जनाब अब्बास से कहा अब्बास जरा मेरे भाई से कहना जब से हम इस सरजमीन पे आए हैं मेरा कलेजा फट रहा है, न जाने बार बार रोने का जी करता है, मुझे चैन नहीं आ रहा, हुसैन से कहो जरा यहाँ से कूच कर जाए, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती, मेरा दिल भट रहा है। तो एक मतलब आए इमाम हुसैन ने कहा अब्बास ये वही सरजमीन है जहाँ अली अकबर के बरछी लगेगी, जहाँ पे हमारा खून बहाया जाएगा। बस भाई आज जनाब सैयदा को पुरसा देते में कहिएगा बीबी आपकी औलाद के उजड़ने का बड़ा गम है। कोई भी बुखल ना करे, कोई भी क्रिया में बुखल ना करे, मजलिस में आते ही हम रोने के लिए हैं। इमाम सज्जाद कहते हैं जब मेरे बाबा के मजलिस में आओ ना तो ऐसे आओ जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे आती है।
मरतबा जनाब सैयद शहदा ने कहा अब्बास खैमे नस्ब कर दो। खैमे नस्ब किए जाने लगे। आपने जिन्होंने ज्यारात की है उन्होंने देखा होगा मुखय्यम कहाँ है, जिन्होंने ज्यारात नहीं की उन्हें परवरदिगार जनाब सैयद शहदा की करबला की ज्यारात नसीब फरमाए। साथ चलिएगा, आज मैं एक दरख्वास्त करूँ आपसे, बस कुछ देर के लिए बहुत पुरानी मसाद नहीं पढ़ूंगा, 10 मिनट की ज्यादा से ज्यादा सहमत दूंगा, लेकिन मेरे साथ जरा तसव्वुर कीजिएगा, आप करबला में मौजूद हैं, सामने इमाम हुसैन मौजूद हैं, अभी तशरीफ लाए हैं, हम सब लोग उनके कदमों के बोसे देना चाहते हैं। इमाम तशरीफ लाए और कहा कि खैमे नस्ब कर दो। हजरत अब्बास ने सारे खैमे नस्ब किए। सुने गए अब जनाब अब्बास ने सारे खैमे नस्ब कर दिए। जब खैमे नस्ब किए ना तो मौला ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास ये जिनकी जमीन है ना जरा उन्हें बुला लो। जनाब अब्बास ने कहा जरा बनी असद को बुलाओ, मौला ने बुलाया है। बनी असद के जितने भी सरदार थे वो आए, कहा कि आका क्या बात है, आपने बुलाया है, हम खिदमत में हाजिर हैं। कहा इस जमीन की कीमत क्या है? कहा 5,000 दीनार है। मौला ने कहा 20,000 दीनार दे रहा हूँ। कहा अगर आप चाहें तो जमीन ऐसे ही रख लीजिए, आप नवासे रसूल हैं, हम आपके कलमा वो हैं, आपके नाना का कलमा पढ़ते हैं। कहा नहीं, जितने कीमत है ना मैं उससे ज्यादा दे रहा हूँ, ये 20,000 दीनार रख लो। कहा मौला जैसे आपका हुक्म हो। कहा ये जमीन के पैसे भी दे दिए, जमीन भी तुम्हें हिबा कर रहा हूँ, जमीन भी वापस कर रहा हूँ, जमीन भी तुम रख लो। कहा आका जब आपने पैसे दे दिए तो अब आप क्यों जमीन दे रहे हैं? कहा मेरे 3 मुतालबात हैं, जमीन रख लो लेकिन 3 काम कर देना। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से कोई गिरिया नहीं करेगा। मौला के जुमले सुनिएगा, जनाब सैयदा का वास्ता जरा गौर कीजिएगा मौला क्या फरमा रहे हैं। एक जुमला कहा मौला ने, कहा ऐ बनी असद बस एक काम, पहला काम ये है, ये जमीन तुम्हारी पैसे तुम्हारे, बस एक काम करना, जब हमें शहीद कर दिया जाए ना हमारे लाशें दफना देना, हमारे लाशें धूप में ना पड़े रहे, कहीं अली असगर का लाशा धूप में ना पड़ा रहे, हमारे लाशें दफना देना। बस ये जुमले सुने एक मरतबा बनी असद रोने लगे। का मौला ये आपने कैसी बात कर दी है, दफनाना तो काफिर का भी वाजिब है, आप नवासे रसूल हैं। कहा नहीं बस हमारे लाशें दफना देना, ये पहला मुतालबा। मौला आपने कहा 3 मुतालबा ने कहा, दूसरा मुतालबा सुनेंगे? मौला ने कहा देखो है बनी असद, अगर कभी भी कोई मेरा जायर आए ना जियारत के लिए तो उसे मेरी कब्र का निशान बता देना, बताना यहाँ हुसैन की कब्र है, यहाँ अली अकबर की, हमारी कब्रों के निशान बता देना। बनी असद ने कहा मौला तीसरा मुतालबा क्या है? मौला की आंखों में आंसू आए, रोते ने एक जुमला कहा, कहे बनी असद अगर मेरा कोई जायर गरीब हो ना तो उसे 3 दिन मेहमान रखना, उसे खाना जरूर खिलाना, उसे पानी जरूर पिलाना, मेरा कोई जायर भूखा प्यासा ना रहे। और जुमले में क्या कहा, 3 दिन मेहमान रखना उसे। मौला किसी ने आपको 3 दिन मेहमान बुला के कैसा भूखा प्यासा रखा? अजरम का मतलब मौला फरमाते मेरे मेहमान को 3 दिन तक, मेरे जायर को 3 दिन मेहमान रखना। फिर जुमला कहा, सांस लेने में भी मसायब पढ़ूंगा, फिर एक जुमला कहा, कहा कि ऐ बनी असद आप लोग चले जाइए, जरा अपनी मस्तूरात से कहिए बुरके लेके आ जाए, जहरा के लाल ने बुलाया है। मस्तूरात ने बुरके ओढ़े, मर्दों ने जाके कहा जहरा के लाल ने बुलाया, सारी बीबियां आ गई। कहा आका आपने हुक्म किया था, क्या बात है? कहा जानती हो मैं कौन हूँ? कहा आप खुद फरमाइए आप कौन है? कहा मैं फातिमतुज़्ज़हरा का बेटा हूँ। कहा मैं फातिमतुज़्ज़हरा का बेटा हूँ। कहा बीबियों एक मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हारे मर्द किसी मसलहत के तहत हमें नाना दफना है तो पानी भरने के बहाने से आना, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल देना, हमारे लाशें धूप में ना पड़े रहे। एक मतलब मौला ने कहा बीबियों आप अपने अपने घरों को वापस चले जाइए, जरा अपने बच्चों को भेज दो, अगर मेरी तरफ देख सके हाथ जोड़ के तुमने पेश कर रहा। बीबियां घर के बच्चों को भेजा, जब बच्चे आए ना मेरे मौला ने कहा बच्चों आप जानते हैं ना कौन हूं? बच्चों ने कहा फरमाइए आका आप कौन है? कहा मैं सकीना का बाबा हूं, मैं रुकैया का बाबा हूं। क्या बच्चों अगर आपके माँ बाप हमें नाना दफना है तो खेलते हुए आइएगा, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल दीजिएगा, हमारे लाशें धूप में ना रह जाए। मैंने तमाम कर दिया, मैंने तमाम कर दिया, मैं 2 से 4 मिनट 5 मिनट की सहमत दूंगा, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं अगर मेरी तरफ देख सके, ज्यारत नहिया में
इमाम जमाना सलाम करते हैं इमाम हुसैन को। कैसे सलाम करते हैं सुनेंगे अगर देख सकें, ज़ियारत नहीं है इमाम जमाना, कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे, मेरा सलाम हो मेरे जद उस हुसैन पे जिनकी दाएं तरफ की पसलियों, बाएं तरफ की पसलियों से मिल गए जब घोड़े दौड़े। हाय मेरा गरीब इमाम, अजरों को मिला ना, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बड़े सख्त जुमले पढ़ने वाला हूं, सादात गैर सादात बहुत दूर दूर तक लोग रो रहे हैं, अगर आज कोई बेहोश हो जाए तो मुझे माफ कर दे। सुनेंगे अगर देख सके तो देखिएगा, एक मतलब अगर मेरे जुमलों को सुन ले, इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे जिनकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों से मिल गए। फिर कहते हैं मेरा सलाम हो उनकी दाढ़ी पे जो खून से रंगीन हो गई थी। फिर फरमाते हैं मेरा सलाम हो उनके कटे हुए गले पे। फिर इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम हो उस सर पे जो नेजे पे बुलंद था। फिर एक जुमला उससे पहले दो जुमले सुन लीजिए, इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम हो उस मासूमा बच्ची पे जिसका करबला से कूफा और कूफा से शाम के रास्तों में रुखसारों का रंग बदलता रहता था, न जाने कितनी मरतबा रंग सुर्ख हुआ, कितनी मरतबा रंग नीला हुआ, न जाने कितने तमाचे लगे। औलाद वालों बस ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुझे मना कर रहे हैं, ये सैयदादे मना करते हैं, सैयदादे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला सबसे सख्त जुमला पेश कर रहा हूं, अगर एक सेकंड में देखिएगा, मुझे माफ कर दे, आखिरी जुमला सुन ले। इमाम जमाना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे उस लहजे में जब सिमर सीने पे सवार था, आखिरन में नहीं थे दाढ़ी को पकड़ रखा था, खंजर हाथ में था, मेरी फुफी खड़ी थी। बस भाई अब आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैंने रोक दिया, अब मेरी अपनी भी कैफियत गैर है, सिर्फ दो दुआ के जुमले कहूंगा, अगर बर्दाश्त कर, हाथ को बुलंद कीजिएगा। जब 13 मुहर्रम को इमाम सज्जाद आए ना दफनाने के लिए, मोजज़े से करबला पहुंचे बाबा को दफनाने के लिए, तो एक मतलब आखिर जुमला पेश कर रहा हूं, वास्ता दे रहा हूं, एक मतलब एक चटाई बिछाई काबनी असद से के पीछे हट जाओ, अपने बाबा के लाश को बड़े एहतराम से उठाया, चटाई पे रखा, फिर मैदान करबला में न जाने जमीन पे क्या तलाश करने लगे। बनी असद ने कहा कि क्या बात है, ये आप लाशे को रखने के बाद मैदान में क्यों चले गए। इमाम तड़पने लगे, क्या जब उन मजूनों ने घोड़े दौड़ाए थे मेरे बाबा के आजा फैल गए, मैं आजा जमा कर रहा हूं। जो मोहम्मद का वफादार है अल्लाह उसका, करबला उसकी, नजफ उसका, मदीना उसका, जिंदगी है तो बस अली की तरह, मौत आए तो या हुसैन हुसैन। हाय कुनबा रसूले अनाम का, हाय कुनबा रसूले अनाम का, खानवादा पयंबर का लूटा गया बरसरे करबला, बरसरे करबला, खानवादा पयंबर का लूटा गया बरसरे करबला, बरसरे करबला। जब मदीने से निकले थे शाहे हुदा, सिर्फ कुछ दिन का था असगरे मैलका,
दिन गुजरते रहे वक्त कटता रहा और मासूम छह माह का हो गया और फिर उसको पैकाने ज़िबहा किया। बरसरे करबला बरसरे करबला खान वादा पयंबर का लूटा गया। बरसरे करबला बरसरे करबला सोचते थे अली बात कैसे बने मेरा वारिस भी हो करबला के लिए। ये अली की दुआ थी जो गाजी मिले शह के बाजू बने बाजू अब्बास के और फिर उसको बेदस्त मारा गया। बरसरे करबला बरसरे करबला खान वादा पयंबर का लूटा गया। बरसरे करबला बरसरे करबला कह रहा था मुसलसल पिसर साद का असर का वक्त नजदीक तर आ गया। क्या नमाजें कजा सब की करवाएगा काट ऐशमर जल्दी से शह का गला और फिर शह की गर्दन पे खंजर चला। बरसरे करबला बरसरे करबला खान वादा पयंबर का लूटा गया। बरसरे करबला बरसरे करबला ज़ैनबे बेनवाहों के ज़ैनुल लिबाब मकसदे शाह दोनों की नजरों में था और तहफ्फुज़ शरीयत का ऐसे हुआ हाके मक्तल पे सबने तयम्मुम किया। फर्ज शाहिद सभी ने अदा कर दिया। बरसरे करबला बरसरे करबला खान वादा पयंबर का लूटा गया। बरसरे करबला बरसरे करबला हाय कुनबा रसूले अनाम का हाय कुनबा रसूले अनाम का हाय कुनबा रसूले अनाम का।
आए हो बाबा, ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर गाए, जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। अरे बाबा घर आना ही था खालिक की रज़ा से, उस वक्त कहाँ थे। अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर आए, जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। अरे कट कट के गिरे नहर पा बाली सकीना के गोहे छीने गए थे, लगते थे तमाचे हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुजतर हाय, हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुजतर, अब आए हो बाबा, अब आए हो बाबा। अरे जब भाई का सर कटता था मैं देख रही थी हजरत को सदा, अरे सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर हाय, सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर, अब आए हो बाबा। अरे जब लोग बचा ले गए अपना जता के, रे बस एक तने शब्बीर था पामाली की जद पर हाय, बस एक तने शब्बीर था पामाली की जद पर, अब आए हो बाबा। एक रात के मेहमान अब आने से हासिल, बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर हाय, बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर,
जब खोल के गेसु चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर हाय, चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर, अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। खून तर जिस्म है अब्बास का साहिल पे पड़ा, आँख में तीर है कैसे हो ज़ियारत मौला, कर चुके हाथ हैं बाजू से करें कैसे कर टूटी कमर, भाई से बोले ये माँ रुके बोले शहे अबरार, हो गया कत्ले अलमदार रुके बोले शहे अबरार, हो गया कत्ले टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। सानिए हैदर कर्रार था मेरा भाई, एक फौलाद की दीवार था मेरा भाई। सानिए हैदर कर्रार था मेरा भाई, एक फौलाद की दीवार था मेरा भाई। गिर गई घर की वो दीवार, हो गया कत्ले अलमदार कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। हाय बेचैनियाँ बढ़ती हैं सुकून सारा गया, दुसकीना को खबर कैसे चचा मारा गया। हाय बेचैनियाँ बढ़ती हैं सुकून सारा गया, दुसकीना को खबर कैसे चचा मारा गया। चल गई कल्ब पे तलवार, हो गया कत्ले अलमदार कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। कत्ले सब का हुआ खैमों में न आया पानी, एक कतरा भी सकीना ने न पाया पानी। कत्ले सब का हुआ खैमों में न आया पानी, एक कतरा भी सकीना ने न पाया पानी। हो गई तीरों की बोछार, हो गया कत्ले अलमदार कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। लाश अकबर की उठाना भी अभी बाकी है, कब्र असगर की बनाना भी अभी बाकी है। लाश अकबर की उठाना भी अभी बाकी है, कब्र असगर की बनाना भी अभी बाकी है। अलमदद है दर कर्रा, हो गया कत्ले अलमदार कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई,
भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, बोझ है भाई का सदमा ये मेरे सीने पर, खाक ही खाक है अब खाक है इस जीने पर, बोझ है भाई का सदमा ये मेरे सीने पर, खाक ही खाक है अब खाक है इस जीने पर, हो गई जिंदगी बेकार, हो गया कत्ले अलमदार, कमर टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, लेके मैं खाली अलम खैमों में जाऊं कैसे, भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, लेके मैं खाली अलम खैमों में जाऊं कैसे, दो कदम चलना है दुश्वार, हो गया कत्ले अलमदार, कमर टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। जब गिरा रेत पे सहरा में तपिश बढ़ती थी, हर कदम पर मेरे जख्मों की खलिश बढ़ती थी, जब गिरा रेत पे सहरा में तपिश बढ़ती थी, हर कदम पर मेरे जख्मों की खलिश बढ़ती थी, कोई मोनिस ना मददगार, हो गया कत्ले अलमदार, कमर टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। रोके बोले शेह अबरार, हो गया कत्ले अलमदार, कमर टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई, भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, तहीर ने जिस तीर चला
हुसैन की बेटी न जाने कब से न
सोई हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी। सितम के दश्त में ऐसे उसे उतारा है, गरीब लाशा है हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी। वो जब भी रोए तो दुर्रों से चुप कराते थे, रहे जो चुप तो तमाचों से फिर उठाते थे। जब सहती थी ऐसी हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी। बहन के हाल पे सज्जाद खून रोते हैं कि मुस्कुराते हुए जब लईन कहते हैं, रोने वाली ये बच्ची हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी। वो जिस रसन में बंधा था गला यतीमा का, उसी रसन में ही भाई का भी गला था बंधा। मदद को किसको बुलाती हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी। ये हम न भूलेंगे सलमान और फहीम कभी, रही रिहाई की हसरत रिहाई मिल न सकी। 14 सदियों से कैदी हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी, न जाने कब से था सोई हुसैन की बेटी। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की चलते नाके से गिराया खुद को जलती रेत पर, चलते नाके से को जलती रेत पर, घुटनियों के बल पे तेरी
लाश तक आई हुसैन। कौन था जो मर हुसैन।
दरमियालाशों के मक्तल में खड़ी है ज़ैनब। दरमियालाशों के मक्तल में खड़ी है ज़ैनब। इस अंधेरे में किसे ढूंढ रही है ज़ैनब। दरमियालाशों के मक्तल में खड़ी है ज़ैनब। सबकी नजरें हैं चमकते हुए खंजर की तरह। सबकी नजरें हैं चमकते हुए खंजर की तरह। भाई का खुश्क गला देख रही है दरमियालाशों के मक्तल में खड़ी है ज़ैनब। हाथ उठा कर करे किस तरह से लाशों को सलाम। हाथ उठा कर करे किस तरह से लाशों को सलाम। हाथ रसी में है शानों से बंधी है दरमियालाशों के मक्तल में खड़ी है ज़ैनब। तेरे सर से ना ये निकलेगी निकलते दम तक। तेरे सर से ना ये निकलेगी निकलते दम तक। तेरे बालों में जो ये खाक पड़ी है दरमियालाशों के मक्तल में खड़ी है ज़ैनब। छोड़ कर भाई को मक्तल से हो रुखसत कैसे। छोड़ कर भाई को मक्तल से हो रुखसत कैसे। लाश से उठी है फिर उठ के गिरी है ज़ैनब।
درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینا، دل کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوسا کے گئی، دل کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوسا سج رہا ہے ابھی دربار، کھڑی ہے زینا درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینا، دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نوے، دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نوے، بچ گیا دین مگر کیسے لٹی ہے زینا درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینا۔ یہ کروڑ ہا انسان دیکھ تو علی کی جا تیرے غم میں ہے گریاں، ان کی کربلا منزل ہے ہتیلیوں پر، دل جھیل کر ہر ایک مشکل ایک صدا لبوں پر ہے، تیرا غم رہے آباد ہے